हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बीज। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने सारे ही स्टूडेंट से कि जितनी भी रिवीजन सीरीज में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर रहे हैं, आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट तो आप रेगुलरली देख ही रहे होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, यूट्यूब की टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन डेफिनेटली होगी, बट उतनी अच्छी नहीं होगी जो आपकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से होगी। तो इसलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियोस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा प्लांट प्रोडक्शन पे है, एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी की। इसमें हम बात करेंगे, एंटोमोलॉजी में भी हम ज्यादा टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट रखेंगे। तो आज का डिस्क्लेमर हम पहले दे देते हैं कि क्वेश्चंस रिलेटिवली डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो आपको ये देखना है, बहुत घबराना नहीं है अगर आपको चीजें नहीं आती हैं, बट कोशिश करनी है समझने की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो सिंपल से बात पूछी है कि इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड की कॉम्बिनेशन की क्या कंडीशन होती है कि कब हम उसे अप्लाई करेंगे। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है, बोथ शुड बी अप्लाइड अबव ईटीएल लेवल। दोनों में कहा है कि ईटीएल के ऊपर इनको अप्लाई करना है। दूसरे में कहा है कि ईटीएल के बिलो। दूसरे में कहा है, वन शुड बी Above ETL, other should be below. There should be no specific condition. अब आप समझते ही हैं, insecticide, fungicide हम कब use करेंगे? जब हमें insect या फिर pest से economic injury हो रही हो। अगर इंसेक्ट पेस्ट है बट उतना नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी दवाई ज्यादा महंगी आ जाएगी जितना वो लॉस करेंगे उससे ज्यादा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये देखें आप, पेस्ट पॉपुलेशन, ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है कि अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अब इसके आगे जो लॉस होगा ये इंजरी लेवल से ऊपर होगा, मतलब अब यहाँ से नुकसान होना शुरू होगा और यहाँ पे आपको इसको ट्रीट करना जरूरी है। और ट्रीट क्या है, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है, बोथ शुड बी अप्लाइड अबव ईटीएल लेवल, दोनों ईटीएल से ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा लिक्विड फॉर्मुलेशन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा समझिएगा, डिजाइन टू प्रोवाइड द टाइम्ड रिलीज एंड एंश्योर एप्लीकेटर सेफ्टी, कंप्राइजेस सॉलिड और लिक्विड इनर्ट क्लोजिंग एनक्लोज्ड बाय अ कोटिंग। देखिए इसमें क्वेश्चन में है क्या, हिंट कैच क्या है यहाँ पे, लिक्विड फॉर्मुलेशन है। आप ये समझिए, तो क्या है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है, सॉलिड नहीं है। और बट ये कैसा प्रोवाइड कर रहा है, टाइम्ड रिलीज कर रहा है। टाइम रिलीज मतलब जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज भी कहते हैं ना, कि इस टाइम के साथ साथ वो रिलीज करता जाएगा और एप्लीकेटर की सेफ्टी सेफ्टी भी रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस में आपको दिए, सॉल्यूशन, लिक्विड फ्लोएबल्स, माइक्रो एनकैप्सुलेट्स, इमल्सिफायबल कंसंट्रेट्स। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशंस। माइक्रो एनकैप्सुलेशंस क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे इनर्ट मटेरियल की कोटिंग होती है टाइम रिलीज के लिए, और जिससे फायदा क्या होता है, जो अप्लाई कर रहा होता है उसको नुकसान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द नीम डिफर्स फ्रॉम द पायरेथ्रिन्स इन इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें पूछा है कि नीम का एक्शन कैसे डिफरेंट है पायरेथ्रिन्स का, जो कि इंसेक्ट्स में होता है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस जो है, अगर आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे, देखिए जैसे पहला दिया है कि नीम डिस्टर्ब द आयन एक्सचेंज प्रोसेस इन द नर्व फाइबर, दूसरा है पायरेथ्रिन सब्सटेंस ग्रोथ रेगुलेटर एंड फीडिंग डेटरेंट। यहीं पे हम रुकते हैं। तो बेसिकली पायरेथ्रिन क्या करता है, सर्व करता है ग्रोथ रेगुलेटर और एक फीडिंग डेटरेंट का। अब क्या होता है, आप देखेंगे पायरेथ्रिन तो सर्व करता ही है, जबकि नीम मोड ऑफ एक्शन प्राइमरी इन्वॉल्व्स द फंक्शंस इन इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट्स में ये बेसिकली फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके अलावा आप देखेंगे नीम प्राइमरी एक्ट एज अ नर्व नर्व टॉक्सिन बाय कंपीटिंग विद द एसिटाइल कोलीन। ये भी का होता है बट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ये नहीं होता है। ओके, पायरेथ्रिन इंसेक्ट। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो ये क्या है, पायरेथ्रिन का ये क्या करता है, ग्रोथ रेगुलेटर एंड फीडिंग डेटरेंट का काम करता है। जहां जबकि आप देखेंगे नीम में क्या है, मोड एक्शन में ये प्राइमरी इन्वॉल्व करता है इन फंक्शंस को इंसेक्ट्स में। ओके, सो ये डिफरेंस है नीम में और पायरेथ्रिन्स में। देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द स्ट्रेटजीज टू मैनेज द इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस व्हिच इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द कांसेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रेशर। समझिए क्वेश्चन को क्या पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे हम इन्होंने बोला कि कैसे आप मैनेज करेंगे इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस को, जो कि इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा इवोल्यूशनरी प्रेशर को। इवोल्यूशनरी प्रेशर क्या होता है, बेसिकली आप देखेंगे टाइम के साथ साथ अगर आप एक ही इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं ना, तो इंसेक्ट को पता चल जाएगा कि ये इंसेक्ट है, वो उनका इवोल्यूशन चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन से उनका बॉडी टाइप चेंज हो जाएगा, जो कि उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूछा है।
ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ अनडिटॉक्सिफाइबल एनालॉग्स, दूसरा है इंसेक्टिसाइड रोटेशन, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर इंसेक्टिसाइड, फोर्थ है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग सिनर्जीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंसेक्टिसाइड रोटेशन। हमको इंसेक्टिसाइड को चेंज करना है, जबकि आप देखेंगे ये नहीं हो सकता है, न्यूअर इंसेक्टिसाइड भी कहाँ तक होते रहेंगे, और अगेन वो कहीं ना कहीं फिर यही करेगा कि इंसेक्टिसाइड हम चेंज करेंगे। बट हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड रोटेशन को हम यूज करते हैं, ऑल्टरनेट इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंसिव, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं बट उसको मत देखिए क्योंकि अगेन एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होगा। इन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन ऑर्गेनिज्म, व्हिच टर्म रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट कॉजिंग मोर्टेलिटी इन हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ जेनेटिकली होमोजीनियस टेस्ट पॉपुलेशन। 100% हम अगर ये यहाँ पे अगर नहीं दिया होता, ऑप्शन आपने नहीं देखा होता, तो मेरा मानना है कि आप 80-90% स्टूडेंट्स इसमें लीथल डोज को ही ऑप्ट करते ना, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ बोल ही इस टाइप से रहा है। बट यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे पॉपुलेशन में डेथ की बात या फिर पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड की डोज की बात नहीं की गई, यहाँ किसकी बात की गई है, विच टर्म्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट इन सराउंडिंग एनवायरमेंट ओके कॉजिंग मोर्टेलिटी। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लीथल कंसेंट्रेशन, इसको हम LC50 बोलते हैं, LD50 नहीं बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टॉक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैसिलस थ्रेंजिनेसिस, ऑल्टर्स द आयन परमीबिलिटी इन द मिडगट एपिथेलिया इन इंसेक्ट्स, लीडिंग टू द गट पैरालिसिस एंड डेथ। तो कौन से होते हैं, आप सभी को पता है क्रायोटॉक्सिन होते हैं, और इसका बहुत अच्छा है याद करने का है, जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में आप सभी को पता है Cry1 AC एंड Cry2 AB, ये दो जीन इंसर्ट की गई थी, और ये बेसिकली किस चीज के लिए है, स्टेम बोरर के लिए और कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये मिडगट को जाके रप्चर कर देती है, उसमें परफोरेशन करती है जिससे कि रप्चर हो जाती है और इवेंचुअली डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। तो क्राइट्रॉक्सिन इज करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल स्ट्रक्चर डिनोट्स द ओपनिंग इनटू द नेक रीजन ऑफ इंसेक्ट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली ये इस पार्ट की बात कर रहा है और इस पार्ट को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम बोला जाता है इस पार्ट को, जहां पे क्रेनियल स्ट्रक्चर, जो ये पूरा पूरा का पूरा फ्रंट वाला स्ट्रक्चर है, क्रेनियल स्ट्रक्चर ओपन होता है नेक रीजन में। सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम ओके। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नोन फॉर द हायर परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, रेजिस्टेंस फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन एंड टेंडेंसी टू बायो कंसेंट्रेट एंड बायो मैग्निफाई इन द फूड चेन, मतलब हमारे लिए बहुत खतरनाक है, कहने का मतलब ये है। तो आप सभी को पता होगा जो सबसे ज्यादा है वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड। मेरे को एग्जाम्पल बताइएगा, कौन सा ऐसा ऑर्गेनो क्लोरीन है जो बहुत वाइड स्प्रेड यूज होता था, भी तो हम कहते हैं कि नहीं यूज होता, हालांकि होते तो है, बट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बैन कर चुकी है ओके। व्हिच डिजीज ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय द फंगस वर्टिसिलियम डहेलिया, सो डहेली बेसिकली, सो क्या इससे कॉज होता है, तो अगर आप देखेंगे ना, वर्टिसिलियम क्या कॉज करता है, वर्टिसिलियम कॉज करता है विल्ट, हर किसी जहां जहां भी ये इंफेक्शन कॉज करता है। तो जनरली यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बॉल रॉट है, रूट रॉट है, लीफ कर्ल डिजीज है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट विल्ट। तो वर्टिसिलियम अगर आपको पता है कॉजल ऑर्गेनिज्म विल्ट का है, तो आप इसको कहीं ना कहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग कॉटन लीफ कर्ल डिजीज CLCUD, तो व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स एंड स्पाइडर माइट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, व्हाइट फ्लाई इसको ट्रांसफर करती है, जो प्राइमरी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें फाइटोप्थोरा रूट एंड स्टेम रॉट्स अकर होता है, फाइटोप्थोरा किस कंडीशन में प्रिवेल करता है, तो बेसिकली थ्री मेजर कंडीशन है जिसमें से कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हेन सॉइल इज टू ड्राई, अगर सॉइल ड्राई होगी ना तो फंजाई कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, तो फाइटोप्थोरा क्या कोई भी नहीं ग्रो कर पाएगा, व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई, अगेन कोई फंजाई ग्रो नहीं कर पाएगी, रिलेटिवली मतलब मैक्सिमम फंजाई आप देखेंगे मॉइस्ट कंडीशन तो चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर तो चाहिए ही चाहिए, व्हेन द सॉइल इज टू वेट ओके एंड द टेम्परेचर इज बिटवीन द 15 एंड 23, तो ये दो मेजर कंडीशन हो गई। अब एक मेजर कंडीशन बचती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को पता चलती है ये तीसरी कंडीशन, और आप मेजरली डिस्कस भी कर सकते हैं कि कौन सी फाइटोप्थोरा की ऐसी तीन मेजर कंडीशंस होती हैं जिससे फाइटोप्थोरा फील्ड में फैल जाता है ओके। व्हेन द सॉइल इज टू अल्कलाइन, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज, ऐसी मेथड जो कि प्लांट डिजीज को कंट्रोल करती है एंड इन्वॉल्व करती है बेनिफिशियल माइक्रोब्स को। तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स मतलब ये किसको, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम यूज कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स बोला है, माइक्रोब्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये किसमें आता है वो आप इजिली समझ गए, केमिकल कंट्रोल मतलब तो हमको केमिकल्स छिड़कने हैं, जेनेटिक कंट्रोल मतलब रेजिस्टेंस डेवलप करना है, कल्चरल कंट्रोल मतलब कुछ ना कुछ फील्ड में हमको करना है, चाहे हमको डीप टिलेज करना है या फिर वीट वीड्स को चेक करना है, बाकी सारी चीजें करनी, कल्चरल कंट्रोल, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम कह सकते हैं। बचा के बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड थ्रू, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो किससे होता है, सिस्टोस्पाइराइटिस, एमरेस्का बिगुटेला बिगुटेला या फिर एफएस क्रेसिवोरा। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये फर्स्ट और जो सेकंड है इनके कॉमन नेम क्या है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ए एंड बी है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को जल्दी बता पाएंगे। एक चीज ये जरूर देखिएगा कि क्या आप इसको अभी ऐसे ही बिना किसी बुक को रेफर किए बता पा रहे हैं या फिर बुक को रेफर करने की जरूरत पड़ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोटीन सेल इन द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द सिल्क फिलामेंट, तो सिल्क फिलामेंट में मेन प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रोसिन, सेरिसिन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द, तो आपको पता होगा ये दोनों ही होते हैं, सेरिसिन भी होता है और फाइब्रोसिन भी होता है, दोनों ही होते हैं। डीबीएम इज अ स्पेसिफिक इंसेक्ट ऑफ डायमंड बैक मॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साइंटिफिक नेम के साथ साथ ऑर्डर भी बताइएगा। तो ये स्पेसिफिक पेस्ट है किसका, कैबेज का, डायमंड बैक मॉथ सबसे ज्यादा हार्म किसमें करता है, कैबेज। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉल अगेंस्ट विच क्रॉप, बीटी कॉटन रेजिस्टेंट अगेंस्ट विच क्रॉप, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है सैंपल से। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे आंसर करेंगे कि बीटी कॉटन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो किस ऑर्डर के इंसेक्ट्स को के लिए करता है, बेसिकली आप देखेंगे लेपिडोप्टरन्स के लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सल पेस्ट हम किसे कहते हैं, तो यूनिवर्सल पेस्ट आप देखेंगे 2020 में कोविड जो महामारी फैली हुई थी उसके साथ साथ लोकस्ट अटैक भी हमने देखा था पूरे इंडिया में, इंडिया क्या नेबरिंग स्टेट में भी था, पाकिस्तान में भी आपने देखा, और वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए और टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल थी उनकी कि लोकस्ट को पकड़ के जो भी लेकर आना है और वो उसको गवर्नमेंट या फिर जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो इंडस्ट्रीज थी वो उसको परचेज कर रही थी। क्यों परचेज कर रही थी, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होते हैं, तो प्रोटीन मील बनाने के काम, और प्रोटीन मील से क्या होगा, पोल्ट्री के लिए फीड बनेगी। तो देखिए बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, अदरवाइज कंट्रोल करना तो मुश्किल ही था उनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा को कौन डिस्क्राइब करता है, इट इज अ पैरासाइट ऑफ लार्वा, इट इज एन एग पैरासिटॉइड, या फिर ये दोनों है या फिर ये प्रीडेटर है। ओके, सो द ट्राइकोग्रामा ये है क्या, बेसिकली एक तो ये पैरासाइट है लार्वा का, लार्वा का पैरासाइट मतलब जो लार्वल स्टेज में उसको लार्वल स्टेज में पैरासाइट करते हैं बेसिकली, और ये एग पैरासिटॉइड है, एग पैरासिटॉइड। अब एग पैरासिटॉइड की डेफिनेशन क्या होती है ये थोड़ी सी आप समझिएगा, तो ये बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों ही करेक्ट है। गंधी बग अटैक्स ऑन, किस स्टेज में गंधी बग बेसिकली अटैक करता है, ग्रेन फिलिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, स्टिलरिंग स्टेज या फिर फ्लावरिंग स्टेज। अगेन सभी को पता होगा ग्रेन फिलिंग स्टेज तो मतलब इनिशियल स्टेज होती है, मिल्किंग स्टेज में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है, जिस समय मतलब ग्रेन फील्ड होता है तो वहां पे ये सैप सक करना या फिर जो मिल्क है उसको सक करना स्टार्ट कर देता है। 4-8-10G इज मार्क्ड एज, 4-8-10G को कैसे मार्क किया गया, सेफ, मॉडरेट, हाई टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो आप सभी को पता है ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, डेंजर, रेड कलर का इसमें सिंबल रहता है, एक्सट्रीमली डेंजरस। देन सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर द वेजिटेबल क्रॉप, अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे इंसेक्टिसाइड की बात की गई है, आप यहाँ पे देखेंगे एक या दो तो हमको यहाँ पे फंजीसाइड मेंशन किए हुए हैं, तो बचा एंडोसल्फान, मेलाथियन, तो मेलाथियन यहाँ पे रिलेटिवली सेफ है, हम बहुत सेफ तो नहीं कह सकते क्योंकि अगेन ब्लू कलर का है, ग्रीन इज ग्रीन नहीं है, ग्रीन हमारी जो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स होती है वो रिलेटिवली सेफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और द होस्ट सीक्वेंस इन द प्रोग्रेस इन डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड इट्स होस्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द सिंड्रोम, उसको हम क्या कहते हैं, एक पूरी जो प्रोसेस है चेन ऑफ इवेंट मतलब बीमारी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाके खत्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ये पैथोजेनेसिस उसको कहा जाता है, पैथोजेनिसिटी और वायलेंस उसको नहीं कहते, पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज, इसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, या फिर ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉज करने की क्षमता को हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। वायलेंस है कि किस डिग्री में वो कर पा रहा है, और उसी के दो टाइप होते हैं वायलेंट और एवायलेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पार्थेनोजेनेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस कॉज बाय द ज़ैंथोमोनास ओराइज़े कैन बी आइडेंटिफाइड। तो अगेन बैक्टीरियल डिजीज आपको फील्ड में चेक करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि हम उसका ऊस टेस्ट करते हैं। ऊस टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए ये प्लांट है, ये लीफ है, आपको चेक करना है कि ये सिम्टम किसके हैं, तो आप इसको यहाँ से कट कीजिए या कहीं से भी कट कीजिए और उसको वाटर में, पानी में डाल दीजिए। अगर यहाँ पे ऊज होने लग गया है तो फिर इसको हम बोल ये कंफर्म करता है कि बैक्टीरियल अटैक यहाँ पे है। देन वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, मैं चाहता तो नहीं हूँ इसको बताना, बट मैं आपको इसके लिए अच्छा क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा रिसर्च करके बताएं और वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और इसको याद कैसे करेगा, ऐसे याद करेगा, आप सभी को पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप सभी करते होंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हर एक जो डायरेक्शन है या फिर हम कह सकते हैं हर एक डायरेक्शन के लिए एक टाइप की ब्लॉटिंग होती है। यहाँ पे हमसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग पूछा गया, तो आप देखेंगे ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी होती है, सदर्न ब्लॉटिंग भी होती है। तो ये चारों के चार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको आपको नेक्स्ट जो हमारे सीरीज रहेगी, नेक्स्ट जो कल आएगा उसमें मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। बट अभी आपको देखना है कि ये नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न किसके लिए होता है। मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये किसी एक एग्जामिनेशन में कॉलेज टाइम पे मेरा आंसर गलत हुआ था। मुझे उस टाइम तक केवल सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में पता था, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी है। रीजन बीइंग कि हमको रटने की आदत होती है तो हमने सदर्न ही रटा था, तो नहीं पता था, तब पता चला कि बाकी सारी चीजें भी होती हैं। हालांकि फिर जैसे जैसे अगर आप पर्टिकुलरली जेनेटिक्स या पैथोलॉजी में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ने का मौका मिलता है सारी ही ब्लॉटिंग टेक्निक्स का, बट ग्रेजुएशन में इतना एक्सपोजर नहीं होता है। तो आप बताइएगा कि अगर आपने याद किए हैं तो। एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज, तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पैथोजन सिटी, पैथोजेनेसिस तो पूरी प्रोसेस हो गई, पैथोमेट्री तो मीटर हो गया मेजर करने की, पैथोलॉजी स्टडी ग्रीक टर्म है, ओके। वायरलेंस क्या है, वायलेंस अगेन किस डिग्री में हम कह सकते हैं इन्फेक्शन या फिर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी है। एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोट्रॉप बोलते हैं। हेमीट्रॉप मतलब जो 50-50% है, बायोट्रॉप भी है और ए बायोट्रॉप भी है, या फिर मतलब वो नॉन लिविंग में भी रह सकता है। और नॉन लिविंग क्या होते हैं, जनरली पर्थोटाइप या फिर नेक्रोट्रॉप बोलते हैं जिसको। नेक्रोट्रॉप पर्थोटाइप से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नेक्रोट्रॉप बेसिकली डेथ कॉज कर देते हैं वो, जिसके जिसमें भी पैरासाइट के रूप में जाते हैं, और पर्थोटाइप भी वही है कि डेथ डिकेइंग में अगर ग्रो हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्थोटाइप्स। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है कि लिविंग में ही रहता है तो वो बायोट्रॉप इज यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी। आज का हो सकता है कि रिलेटिवली डिफिकल्ट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपकी प्रिपरेशन आपको पता चलेगी। और मैं एक चीज आपको, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर कीजिएगा, हमेशा जरूरी नहीं कि हम इजी इजी क्वेश्चन करें। और मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे आप ये आपने एफसीआई में भी देखा होगा इंसेक्ट्स के या फिर जो हम बोले एंटोमोलॉजी के, और खासकर फिर जब टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं तो वो डिफिकल्ट ही होते हैं, क्योंकि जो हमारी पढ़ने की आदत है वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पढ़ने की आदत है, बट जब जहाँ पे हम टॉक्सिकोलॉजी और इन सब की बात करते हैं तो वहाँ पे वो रिलेटिवली प्योर एंटोमोलॉजी की बात होने लग जाती है या फिर इंसेक्ट स्टडी की होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होती ही है, ओके। बट कोशिश करके जाइए, जितना हो सकता है उतना करिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी डाउट करे क्वेश्चन है जरूर पूछेगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अगर कोई दूसरा टॉपिक है तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।